नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दे रही हैं वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी भारद्वाज। आप लोगों के बीच में हाजिर है मौसम की अपडेट लेकर। जानकारी आपको देंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में, मौसम कैसा रहने वाला है, फिलहाल प्रदेश में मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, ये जानकारी आपको रोजाना की तरह इस बुलेटिन में देंगे और आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तो आप लोगों को जानकारी दे दें कि बीते दिन कहां कहां पर मौसम कैसा रहा है, ये जानकारी आपको देंगे। तो बता दें कि मनाली में 48.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं मशोबरा की बात करते हैं, शिमला की बात करते हैं तो 21.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ मंडी के गोहर की बात करते हैं और मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 15.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि बीते दो दिन से लगातार जो है बारिश डिस्ट्रिक्ट मंडी में देखने को मिल रही है। इसी बीच अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के ऊपरी इलाकों में यानी कि उच्च पर्वतीय इलाकों में कहीं ना कहीं बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। तो सितंबर माह जहां पर हम मॉनसून की वापसी का इंतजार कर रहे थे, इस बीच कहीं ना कहीं बर्फबारी भी अपने साथ मॉनसून जो है लेकर आया है और फिलहाल प्रदेश से मॉनसून जो है जाने की यहां पर तैयारी में नहीं है क्योंकि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और इससे ये लग रहा है कि जल्द ही जो है ठंड है वो यहां पर आने वाली है प्रदेश में और जल्द ही प्रदेश में जो है ठंड के साथ साथ जो है लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि सितंबर माह में बारिश जाने के बाद जो है अक्टूबर में अगर देखें तो इतनी ज्यादा हमारे को जो है ठंड देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अभी अगर बात करें तो मॉनसून के साथ साथ बर्फबारी का होना भी शुरू हो गया है तो कहीं ना कहीं जल्द ही ठंड के आने का भी यहाँ पर अंदेशा जो है यहाँ पर लग रहा है। इसी बीच बात करते हैं तो आपको बता दें कि थंडर स्ट्रोम की बात करते हैं तो शिमला, कुल्लू, मनाली में भी तीन जगहों पर जो है काफी ज्यादा तेज तूफान भी देखने को मिला है और बिजली की गर्जन के साथ साथ जो है बारिश भी देखने को मिली है। अब बात करते हैं मॉनसून के जाने की तो फिलहाल सितंबर माह पूरा ही कवर होने वाला है क्योंकि 25 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया गया है और 25 तारीख तक प्रदेश में जो है लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और बारिश देखने को मिलेगी यानी कि बिजली की गर्जन, हवाएं और बारिश जो है देखने को मिलेगी 25 तारीख तक, जहां पे मॉनसून की वापसी होनी थी। तो वापसी के साथ साथ अभी पूरा महीना जो है कहीं ना कहीं ये मॉनसून जो है लगा के जाने वाला है और अभी मॉनसून जो है वापसी की तैयारी में नहीं है। इसी बीच बात करते हैं तो 24 तारीख को मंडी जिला में पड्डल मैदान में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल रैली होने वाली है, लेकिन क्या इस रैली में ये मॉनसून खलल बारिशें जो है खलल डाल सकती है, अब ये देखना होगा। इसी बीच बात करते हैं तापमान की तो बीते दिन जो तापमान रहा है और बीते 24 घंटों के दौरान जो तापमान दर्ज किया गया है वो 35.0 अधिकतम तापमान ऊना जिला का है। अगर बात करते हैं केलांग की, न्यूनतम तापमान में सबसे कम तापमान जो है वो केलांग का है 8.3, तो कहीं ना कहीं ऊपरी इलाकों का जो तापमान है वो रोजाना गिरता नजर आ रहा है। इसी बीच बात करते हैं तो आपको जानकारी दे दें कि शिमला का जो तापमान है बीते 24 घंटों के दौरान वो 11.8 है, सुंदरनगर की बात करते हैं तो 20.4 है, भुंतर का 18.3 है, कल्पा का 11.2 है और धर्मशाला का 19.8 है, ऊना का 23.4 है, नाहन की बात करते हैं तो 22.7 है, केलांग का 8.3 है, पालमपुर 17.5 है, सोलन 19.0 है, वहीं मनाली की बात करते हैं तो 14.2 है, बिलासपुर का 21.0 है, हमीरपुर 21.0 है, चंबा की बात करते हैं 21.0 है, डलहौजी 15.0 है, जुब्बड़हट्टी 17.5 है, कुकुमसेरी 10.8 है, नारकंडा 12.0 है, कोटखाई 16.6 है और रिकांगपियो की बात करते हैं 14.4 है, सेवबाग 13.6 है, धौलाकुआं 23.8 है, बर्ठी की बात करते हैं 22.7 है, पौंटा साहिब